गौतम बुद्ध, काम पूज्य दलितों के मसीहा, नारी के मुक्ति दाता, गांधी के जीवन दाता और संविधान के निर्माता, भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पर विराजमान अतिथि और वक्तागण और इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरी माताएं, बहनें और प्यारे बच्चों सभी को मेरा तहे दिल से जय भीम नमो उठाएं। मुझे महिलाओं की काफ़ी ज़्यादा संख्या दिख रही है, तो दो लाइन में महिलाओं के प्रति बोलना चाहूँगी, फिर उसके बाद अपनी बात रखना चाहूँगी। महिलाओं का जीना इतना आसान ना होता, महिलाओं का जीना इतना आसान ना होता अगर धरती पर पैदा कोई भीम ना होता। मनुवाद की गुलामी से फिर घूंघट में होती, मनुवाद की गुलामी से फिर घूंघट में रोती और सिर झुकाकर चलना फिर से इतना आसान ना होता। उम्र भर बोझ उठाया बाबा भीम ने और हम तारीफ पत्थर की करते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी आज में ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि मेरी गाड़ में काफी दर्द है। डॉक्टर साहब भी बैठे हैं। आप ये भी मैंने यहीं पे बोल दिखाई है, इसलिए मैं ज्यादा ना बोलते हुए सबसे पहले मैं जातक प्रगतिशील संघ का बहुत बहुत साधुवाद करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ पर अपनी दो बार बोलने के लिए बुलाया। अभी मैं ब्लैंड से आ रही हूँ और मैंने वहाँ देखा, जो मैंने देखा वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं अभी ब्लैंड गई थी और सुबह ही आई हूँ मैं, और वहाँ लड़का था जो जैसे ही मैं ब्लैंड में घुसी अपनी गली में, तो मेरे ही गांव का एक लड़का मुझे मिला और मैंने देखा वो मुझे नहीं पहचान पाया मगर मैंने उसे पहचान लिया। काफ़ी टाइम बाद मिले थे हम, तो वो ट्वेल्थ क्लास में पढ़ रहा है और मैंने देखा उसने काफ़ी अपने हाथ में काला धागा, लाल धागा और पैरों में भी बहुत सारा धागा बांध रखा था। मैंने उससे पूछा भाई ये क्या है, तो उसने मुझसे बोला ये बहन त्रिलोकीनाथ का धागा है। मैंने कहा त्रिलोकीनाथ? उसने कहा हाँ दीदी ये त्रिलोकीनाथ का धागा है। तो उसने कहा, मैंने उससे पूछा भैया ये त्रिलोकीनाथ कौन है, तो उसने कहा ये त्रिलोकीनाथ दीदी वो है 14 भुवन के मालिक और 3 लोक के मालिक। मैंने कहा अच्छा 14 भुवन के मालिक और 3 लोक के मालिक। तो मैंने उससे कहा, मैंने ये कहा अगर उसने वो 14 भुवन का मालिक है और तुम और 3 लोग का मालिक है, उसने तुम्हें ये नहीं कहा कि तुम जब 14 लोग के मालिक हो सकते हो तुम्हें भी 1 लोग का मालिक होना चाहिए? तो एकदम चुप हो गया और कहने लगा। दोस्तों मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें मंदिर के पीछे नहीं, हमें संविधान में जाना चाहिए। हम लोग घोड़ करते हैं कि आज हमें इस मंदिर में जाना है, आज उस मंदिर में जाना है। तो मैं आप सबसे आशा और अपील करती हूँ कि अपने बच्चों को सही शिक्षा और सही दिशा बताइए कि हमें मंदिर में नहीं, हमें संविधान के अंदर जाना चाहिए और आगे उनको सही रास्ता बताना चाहिए। इसलिए ज्यादा नाम बोलते अपनी बात को यही विराम देती हूँ। शाम